like a Hellcat. और एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेंगे। अब जाएंगे ऐड फोटो में, अपने मॉडल का फोटो ले लेंगे। बस आपको जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही वैसे ही करने हैं। अगर आप भी ऐसे ही फोटो बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप मत करें और वीडियो को तो लाइक करते ही जाएं। प्रोसेस में क्लिक कर दें, आपका पूरा फोटो जो है ऑटोमेटिक ही कट हो जाएगा। आप देख लीजिए, मैं थोड़ा वीडियो फास्ट की देता हूँ। थोड़ा जहाँ जहाँ व्हाइट रह रहा है वो फोटो को अपने बैकग्राउंड के हिसाब से सेव कर लो। अब हमारी फोटो हो गई सेव। अब चलते हैं एडजस्टमेंट, इसकी ब्राइटनेस को कर लेंगे माइनस। माइनस करने के बाद फिर वही ये अपना हम रबर से मिटा लेंगे। अगर आप भी ब्लैक जैकेट वगैरह कुछ शर्ट ब्लैक पहने हो तब तो ये टिप्स आपको सही है, ऐसे ही कर लेंगे तो बन जाएगा आपका फोटो भी। अगर और कोई जैकेट पहने हो तब भी ऐसा ही कर लेना, तब भी बन जाएगा आपका फोटो। फिर अपने हिसाब से कर लेना, अगर आपका मतलब कि कोई और जैकेट वगैरह पहने हो और कोई कलर की। अब चलेंगे ड्रॉ टूल पे। ड्रॉ टूल पे जाने के बाद अब यहाँ से हम एक इंपोर्ट करेंगे एक लेयर। उसके बाद जाएंगे हम ब्रश में, ब्रश का साइज जितना है उतना ही रखना है। देख लो आप, जितना मेरा है उतना ही कर लेना। देखो अब चलेंगे कलर में, रेड कलर ले लिया हमने। एक लाइन बनाएंगे बस, उसके बाद जाएंगे वहीं लेयर के पास ट्रांसफर, इसको करेंगे जूम। जूम करने के बाद नीचे आएंगे हम, इसको कर लेंगे एडजस्ट। डार्कन करेंगे इसको, ये हो गया हमारा रेड कलर परफेक्ट। अब इसके बाद सेम फिर एक लेयर बनाएंगे। इंपोर्ट कर ली हमने लेयर, फिर वहीं पे कलर पे चलेंगे। आपको जो कलर अच्छा लगता हो वही चूज करना आप। मुझे तो यही परफेक्ट लगता है। ट्रांसफर, उसके बाद जूम करेंगे अपनी लेयर को, और जूम करते जाओ, फाड़ दो साले को। उसके बाद
डार्केन, डार्केन करेंगे हम अपने लेयर को। ये हो गई हमारी कंप्लीट फोटो।